हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ एक बार फिर से मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, एज वेल एज हम फीमेल हाइजीन के बारे में भी जानेंगे। आज का जो टॉपिक है वो उन सारी लड़कियों के लिए है, उन सारी महिलाओं के लिए है जो वर्किंग है या जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जो बाहर जाती हैं अपने मोस्टली जो टाइम है 6 से 7 घंटे जो है वो बाहर स्पेंड करती हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में पहले भी बात कर चुकी हूँ, आप सभी को पता है ये पीरियड्स के टाइम पे यूज किए जाते हैं, एक एडवांस टेक्नोलॉजी इसको बोल सकते हैं आप। पहले के टाइम पे आप पैड सैनिटरी नैपकिन्स यूज करते थे, फिर टेम्पोन्स आए एंड देन अब आ गए हैं मेंस्ट्रुअल कप, ठीक है। और ये जो मेंस्ट्रुअल कप है ये बहुत ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू सैनिटरी नैपकिन्स एंड टेम्पोन्स। तो पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैं बात करने वाली हूँ सेम मेरे पास ये एवरीटीन का मेंस्ट्रुअल कप, और ये जो मेंस्ट्रुअल कप है वो अच्छे से पाउच के अंदर पैक होके आता है। आप इसको धो रखते हैं, स्टेरिलाइज करके यूज करना होता है इसको, और ये अप टू 10 ईयर्स आपका चलता है, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो बचत तो होती ही है, साथ ही साथ आप अपने शरीर का भी अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों की जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, जो यू नो 6 घंटे तकरीबन कॉलेज के अंदर बिताती है, और जब उनका पीरियड की समस्या आती है, यू नो हर मंथ सारी लड़कियों को ये आता ही है, एंड देन कॉलेज टाइम के अंदर 6 घंटे पैड के अंदर रहना बहुत ही दिक्कत भरा हो जाता है। कई बार क्या होता है, कॉलेज के बाथरूम्स बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो उसके अंदर बार बार वो जा भी नहीं पाती हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन होना बहुत लाजमी है, इन्फेक्शन हो जाते हैं उसकी वजह से। दूसरी बात कि हर बार गीलापन फील हो रहा होता है, तो अगर वो पैड्स लेके भी जाती हैं कॉलेज के अंदर चेंज करती हैं, तो वो भी बहुत अनकम्फर्टेबल प्रोसीजर हो जाता है। उस टाइम के ऊपर मेंस्ट्रुअल कप दी बेस्ट ऑप्शन होता है आप लोगों के लिए। जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं उस टाइप के ऊपर उस टाइम पर, तो क्या होता है कि आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 12 घंटे तक आप सॉर्ट आउट हो जाते हैं, 12 घंटे तक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों की ये भी था कि इसके साथ क्या हम पी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। तो कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए हो गया, दूसरा हो गया वर्किंग वुमन के लिए, 8 घंटे उनको काम करना ही होता है, एंड ऑफिस के अंदर थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है, स्पॉट अगर उनको दाग लग जाते हैं, इधर उधर बैठते हैं, पैड के अंदर आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, गीलापन फील हो रहा होता है, काम में ध्यान नहीं लगता है, यू नो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। तो उस टाइम के ऊपर भी मेंस्ट्रुअल कप आपके लिए एक बेस्ट साथी आपका बन सकता है। जब आप इसको यूज करते हैं तो 12 घंटे तक तो स्पॉट नहीं लगता, दाग नहीं लगता, 12 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, आपको इचनेस नहीं होती, जांग लगने की प्रॉब्लम नहीं होती, आपको रैशेज नहीं होते इनसे, आप गर्मी सर्दी बरसात के मौसम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब बात आती है उन लड़कियों की जो स्पोर्ट्स के अंदर है, जो स्विमिंग के अंदर है, जो टेनिस खेलती हैं। मैं आपको बताऊं, पैड के अंदर बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, मैं भी स्पोर्ट्स में रही हुई हूँ, तो मुझे पता है कि स्पोर्ट्स के टाइम में जब हम ट्रैवल करते थे बाहर, टाइम पीरियड्स के लिए, पीरियड के टाइम पे हम जब बाहर ट्रैवल करते तो कितनी परेशानी हो जाती थी, खास करके वो लड़कियों के लिए जो स्पोर्ट्स के अंदर होती हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पैड के अंदर आप खेल नहीं सकते, आप स्विमिंग अगर आप करते हो तो आप कर नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा, और बार 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 इतना ज़्यादा चलने की वजह से साइड जो होते हैं हमारे, वो पेल्विक मसल्स के नीचे जो साइड्स होते हैं, वो हमारे बिल्कुल एकदम रैशेज हो जाते हैं, और अनकंफर्टेबलनेस हो जाती है, और परेशानी भरे जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। इस चीज़ के अंदर भी मेंस्ट्रुअल कप आपका बेस्ट साथी हो सकता है, क्योंकि आप इसे स्विमिंग कर सकते हैं, चल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जितने भी स्पोर्ट्स के अंदर आप देखते हैं, जो भी आप टीवी के अंदर देखते हैं, सभी लोग मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं, सारी लड़कियां मेंस्ट्रुअल कप यूज करती हैं। इसको यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से अगर कोई वीडियो नहीं देख रहा है तो मैं उसको बताऊं कि कुछ इस तरीके का दिखता है। यूज करने से पहले आप इसको स्टेरिलाइज कर लेंगे, लाइक आप इसको गर्म पानी के अंदर उबाल लेंगे, देन इसको आप पोंछ लेंगे, एकदम रिलैक्स होकर स्क्वाट की पोजीशन में बैठ जाना है, इसको बेंड करना है, यानी इसके डायमीटर को कम करना है आपको, एंड देन इसको 45 डिग्री एंगल के अंदर आपको इंसर्ट करना है। ध्यान रखिएगा, जब आप इंसर्ट करें तो यहां से थोड़ा पुश कर दीजिएगा। मैंने एक ऑलरेडी पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आप इसका डायमीटर कैसे भी कम कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे करके डाल लीजिए, या आप इसको ऐसे करके डाल लीजिए, ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो कैंपेन है वो फीमेल हाइजीन के लिए चलाया जा रहा है, मैं ढेर सारी ऐसी वीडियो लेके आती रहूंगी। आप नीचे कमेंट के थ्रू मुझे जरूर अपनी परेशानी बताइएगा कि आपको कौन सी पीरियड के अंदर परेशानी होती है जिससे आप बचना चाहते हैं, या जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, तो मैं उन सभी का रिप्लाई एंड आंसर्स भी करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।